शायद आपने इसी वीडियो को देखने के बाद आप इसके बाद आपको नहीं चाहेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। बिल्कुल सही सुनाए और थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़े। मैं जो बताने जा रहा हूं आज वही जॉब के बारे में, जो जॉब आज सभी लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मुझे, कहीं भी नौकरी मिले तो गवर्नमेंट की नौकरी मिले, दामाद इस तरह मिले जो कि गवर्नमेंट की नौकरी करता होगा। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो कि आज की डेट में गवर्नमेंट की जॉब ढूंढ रहे हैं, कैसी भी करके वो उनको गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं गवर्नमेंट की जॉब में आपको क्या फायदा मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज आपको मैं उस टॉपिक को लेकर जाने वाला हूं और आज टॉपिक थोड़ा ज्यादा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आज अभी आपको जो चीजें बताने वाला हूं वो पूरा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, आपको मतलब क्या दिक्कत आ रहा है, लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब क्यों मिल नहीं रहा है, दिक्कत क्या हो रहा है, इसके बारे में पूरा वीडियो आज पूरा बनने वाला है और एक बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। शायद इसी वीडियो में आपको इस तरह चीजें आपको सीखने के लिए मिल जाए, शायद आप कभी जॉब के लिए नहीं तरसेंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूं आपको रियली में। तो क्या होता है गवर्नमेंट जॉब मैं आपको जरूर बताऊंगा, इससे पहले मैं मेरा खुद का इंट्रोड्यूस देता हूं। दिस इज आरजे राज, बिजनेस एडवाइजर एंड ट्रेनर फ्रॉम सपोर्ट 50। ये होता है गवर्नमेंट जॉब इतना आसानी से नहीं मिलता है, और जिसी को भी मिलता है वो मतलब वो क्या बताऊं उसको, बहुत ही शायद वो तकदीर वाला होगा उसको ही मतलब एक सही ढंग से गवर्नमेंट जॉब मिलने मिलता है। बाकी मुझे मैं आज तक मतलब गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई नहीं किया हूं। क्यों अप्लाई नहीं किया हूं मैं ये बता रहा हूं। देखिए एक बात है कि आज तक मुझे जितना सारे जॉब के ऑफर आए सारे के सारे प्राइवेट के ऑफर आए और सारे के सारे प्राइवेट जॉब की के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और बाकी ये है कि प्राइवेट जॉब तो मैं भी अभी तक मतलब बहुत ही कम प्राइवेट जॉब किया हूँ। मैं अब तक मेरा खुद का बिजनेस शुरू किया हूँ और खुद जो फिलहाल जो बिजनेस कर रहा हूँ मेरा खुद का है, मेरा दिमाग चलता है सिर्फ बिजनेस में चलता है और कुछ नहीं चलता है। मैं आपको वही बताने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या बिजनेस फंडा होता है। देखिए कुछ देर पहले मैं एक मतलब एक गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई कर रहा था किसी और के लिए, मेरा एक दोस्त है उनके लिए मैं अप्लाई कर रहा था गवर्नमेंट जॉब में, मैं कभी अप्लाई नहीं किया था। बाकी एक फॉर्मूला आया मुझे, उन्होंने बताया भैया मुझे मेरे लिए ये बना दीजिए मुझे अप्लाई करना है, और मैं पास आउट किया हूँ मुझे अप्लाई करना है। मैं बोला ठीक है भाई चलो कर देंगे। तो क्या होता है, क्या मतलब दिक्कत क्या आ रही है सामने में, देखिए मैं आपको अभी फिलहाल स्क्रीन में लेके जा रहा हूं और एक बार देखिए आपने क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन सिर्फ एक वेरी सिंपल आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है एक ध्यान से देखिए, मैं आपको फिलहाल अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं फिलहाल स्टार्ट हो चुका है यहाँ की टर्म एंड कंडीशन। देखिए कंडीशन ये है, अगर मेरा डॉक्यूमेंट मैं जो फिलहाल अपलोड किया हूँ डॉक्यूमेंट अगर वो गलत निकला गलत साबित हुआ तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं और इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। नहीं मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, आप देखिए यहां पर अगर कोई अप्लाई करता है, आप एक बात ध्यान से रखेंगे अगर आप जानना चाहेंगे कि मेरा जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हूं, देखिए यहां पर दे रहे बहुत ही कम केबी की फाइल दे रहे वो लोग, जैसे कोई भी अपलोड कर रहे कोई इमेज अपलोड कर रहे तो आप पीडीएफ डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते इसी जॉब के लिए, तो आपको डायरेक्ट क्या करेंगे ना इमेज की फाइल की आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर एक स्टेटमेंट। अगर इस तरह आप देखने के लिए मिलेगा तो आपको क्या सोच में आएगा एक बार खुद ही सोचिए। अगर आप देखिए एक इमेज फाइल होगा 50 MB की, आपको बताया जाएगा आप सिर्फ दीजिए मुझे 1 MB में कन्वर्ट करके, तो इमेज साइज हो गया बड़ा तो वो ऑटोमेटिक क्या कंप्रेस होके छोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, वो अपने आप जो चीजें दिखने वाला था वो नहीं दिखेगा, तो इसके बाद वो आपका सर्टिफिकेट्स रद्द कर दिया जाएगा, पहला कंडीशन में आप फेल हो जाएंगे। एक बार सोचिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जो सोचे कि मेरा सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है और अब तक मैं जो सर्टिफिकेट दिया हूं मेरा वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, अगर
बाई चांस आप गलत निकल गया तो मैं इसी जॉब की लायक नहीं हूं, वो मैं खुद घोषित करता हूं। वो खुद उन्होंने वो अगर वो टिक करेंगे तब आपको वो चीजें समझाएंगे, मतलब वो चीजें बताया गया है। देखिए जॉब करने से पहले आप इस टर्म एंड कंडीशन को हरदम पढ़ लीजिए। तीसरा क्या लिखा है, कंडीशन तीसरा कंडीशन लिखा है कि मैं जितना तक पढ़ाई किया हूं उसका सारे सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर चुका हूं। वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल सही रखे हैं। तीसरा, अगर इंटरव्यू के समय मेरा खुद का सर्टिफिकेट अगर मैं सबमिट नहीं कर पाया तो मैं इसी पोस्ट के लिए डिसक्वालीफाई हो जाऊंगा। एक बात सोच के बताइए, यहां पर देखिए अगर थोड़ा बहुत यहां पर कुछ मिस्टेक भी हो रहा है तो आप यहां पर डिसक्वालीफाई होने के चांसेस बहुत है। फाइल में क्या लिखा है, यहां पर लिखा है, यहां पर मैं खुद का जिम्मेदारी के लिए जॉब करता हूं, नहीं तो मेरा परिवार इसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देखिए दोस्तों एक बात सोचिए, आपने जॉब कर रहे हैं अपने परिवार को सुरक्षा देने के, बाकी यहां पर होता क्या है, गवर्नमेंट यहां पे खुद डिक्लेयर कर रहे हैं मैं मेरा खुद का जिम्मेदारी हूं और मैं जो जॉब कर रहा हूं वहां पर मेरा कोई परिवार, मेरा परिवार सक्षम है जो कि इनकम करने के लिए मैं खुद के लिए जॉब करना चाहता हूं। देखिए खुद सोचिए एक बार, उस चीज सोच के ही टिक कीजिए, उसके बाद आप खुद मतलब समझ में आ जाएगा क्या है। एंड सिक्स नंबर क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं सिक्स नंबर। अगर हाँ मैं यहां पर जाके डाक सेवा में या पोस्ट ऑफिस में रहूंगा, जॉब करूंगा, इससे किससे पहले ना पोस्ट मास्टर नियुक्ति की पहले, मतलब अगर पोस्टिंग नहीं हुए तब भी जाके वहां पर आप काम करेंगे एक महीना मिनिमम। एक महीने के बाद आपको शायद उन लोगों ने सिलेक्ट कर सकते हैं ये जॉब होगा या ना होगा। एक बात और फाइनली बात यहां पर देखिए, मैं खुद एक चीज को लास्ट में, आप खुद इसके लिए जिम्मेदार है। फाइनली सात नंबर बता रहा हूं, ये सारे बातें मेरे लिए, मैं सब कुछ बातें जानता हूं, जानने के बाद इस चीज को अप्लाई करता हूं। अगर इसके बाद कोई बातें गलत निकल रहा है वो सारे गलत बातें हो सकता है या सही बातें हो सकता है, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, सात कंडीशन आपको मैं पहले से मतलब बता दिया हूं। और अभी एक बात सोचिए, आप इतने सारे कंडीशन आ रहा है उसके बाद आपको क्या लगता है, आपको ये जॉब करना चाहिए? भाई मुझे तो लगता है नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये कंडीशन जितना आ रहा है वो गवर्नमेंट वो अपने हिसाब से बोल रहा है, मैं साफ सुथरा हूं भाई, मेरे अगर 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 मन में हो, इच्छा हो तब आओ जॉब करो, नहीं तो भाई भागो। सिंपल सी बात। दूसरी बात, इसीलिए मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा हूं, इसीलिए कि देखिए एक बात सिंपल सी बात, देखिए 100 रुपए की एक फीस लेते हैं उन्होंने, 100 रुपए की फीस का मतलब आप समझ में आ रहे, 100 एक बंदे ने 100 रुपए दे रहे, मतलब इसी पोस्ट यहां पे पोस्ट निकला है 2060 पोस्ट निकला है, 2060 पोस्ट पोस्ट के लिए कम से कम 1 लाख बंदे आपके जैसा मेरे जैसा बहुत सारे बंदे उसको अप्लाई करेंगे। 1 लाख और 100 रुपए के हिसाब से हर एक बंदे देंगे तो कितना रुपए उन लोगों को मुनाफा होगा। सिंपल सी बात है, देखिए मैं बिजनेस की बात बता रहा हूं आपको, सिंपल। अगर आप बिजनेस की बात समझ में आ रहा है तो भाई मजा आ जाएगा आपको, वीडियो मजा आ जाएगा सीरियसली। अगर बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मेरा बात सारे के सारे आपको बकवास लगने लगेगा, क्योंकि सच बातें हरदम सभी को कड़वा लगता है और सच बातें काफी सारे लोग को बकवास भी लगता है। मैं सच बातें बताने वाला हूं और बोलता, मैं जो बोलता हूं फेस टू फेस बोलता हूं, किसी को डरता नहीं हूं मैंने। सिंपल सी बात यह है कि देखिए 100 रुपए की अगर अप्लाई करने में सिर्फ 100 रुपए लगता है तो 1 लाख बंदे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपए जा रहे हैं गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए जा रहे हैं सिर्फ अप्लाई करने का, ना कोई कागज की खर्चा, ना कोई जिम्मेदारी, कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ सिर्फ आपको आपकी जेब से निकल चुका है 1 करोड़, आप 1 करोड़ कमा नहीं सकते।
बाकी गवर्नमेंट कमा सकता है इजीली। कोई एक रिक्रूटमेंट निकाल दिया 1 करोड़ रुपए ऐसे निकल जाएगा एक महीने में। अगर इस तरह 5 पोस्ट निकल गया मतलब हो गया 5-10 करोड़ ऐसे उसका बन जाएगा। सिंपल सी बात दोस्तों, ये बताऊंगा अगर ये चीजें आप खुद की सोचिए। मान के चलिए आप जॉब करना क्यों चाहते हैं, आपको क्या लगता है वहां पे जाएंगे तो बैठे बैठे आपको सैलरी देंगे? नहीं देगा, कोई नहीं देगा, मैं इतना गारंटी से लिख के दे सकता हूं। यहां पर आप जाएंगे तो कोई भी सर्च करेंगे 4-5 घंटा 8 घंटा तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद आपको मिलेगा वहां पर नौकरी, उसको बोलेंगे नौकरी। आप बोलेंगे क्या कर रहा हूं मैं पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर हूं, वो आप डिजिग्नेशन बताएंगे पोस्ट मास्टर। बाकी ये बोले यहां पर अगर आपको कुछ गलत साबित कर रहे हैं वो टर्म एंड कंडीशन में लिखा गया है कि अगर बाद में आपको कुछ भी चीजें बोलकर अगर वो गलत साबित कर दी, मान के सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास गलत निकाल दिए, बोलेंगे नहीं ये बंदा गलत कंप्यूटर सर्टिफिकेट दिया है, मतलब जब सर्टिफिकेट सबमिट के समय वो दिया है इसीलिए वो बंदे को अभी हम यहां पर दफा कर देते हैं, तो आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा नहीं लगेगा? एक बार सोचिए, खुद सोच के देखिए। मैं अभी जो बता रहा हूं देखिए मेरा बदन से पसीना छूट रहा है, पसीना इसीलिए छूट रहा है क्योंकि मैं बहुत गर्मी यहां पर महसूस कर रहा हूं फिलहाल। मैं कोई डर के बात नहीं कर रहा हूं, बाकी ये है कि ये है सिंपल बात बताऊंगा दोस्तों, अगर रियली में आप बनना चाहते हैं एक हीरो, एक बेहतर एंटरप्रेन्योर, तो जुड़िए मेरे साथ, सिखाऊंगा मैं आपको कैसे बिजनेस किया जाता है। सीरियसली आपको मैं सिखाऊंगा, अगर इंटरेस्टेड है तो मुझे आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, पेज मेरा बिजनेस सपोर्ट के नाम पे है, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा इस तरह वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूं जब से बना हूं आज तक सिर्फ मेरा खुद के लिए नहीं दोस्तों, आपके लिए, आपका कुछ फायदा हो, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड में वीडियो लेके आते रहता हूं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि दुनिया में सच्चाई क्या है, ठीक है? अगर ये बातें अगर हम मेरा बातें अच्छा लगता है तो दोस्तों सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर सबसे अच्छा लगता है शेयर कीजिए सभी को, सभी दोस्तों को। अगर दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मेरा जो न्यू वीडियो आने वाला है आगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगा। फाइनली दोस्तों अगर ये कंडीशन देखने बाद आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब करना चाहे तो भाई आपकी मर्जी है, मैं आपको कभी मतलब मना नहीं करूंगा। बाकी दोस्तों एक बात, बिजनेस और गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क है, आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए करना पड़ता है, वहां पर आपको टाइम देना पड़ता है। बाकी है कि ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो कि बगैर इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। अगर इस तरह आइडिया लेना चाहते हैं तो मुझसे अभी कंटैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, वो डायरेक्ट कंटैक्ट कर सकते हैं बिजनेस ट्रेनिंग लेने के लिए। मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए तत्पर हूं और जुनून के साथ बता रहा हूं, मैं आपको जरूर बेहतर बिजनेसमैन बना सकता हूं अगर आप चाहें तो, ठीक है? तो वीडियो को अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।